यहाँ भी कैसे आए थे? और एक अभी हम लोगों ने जशपुर जिले में एक अभियान चलाया है, हर एक को वैक्सीन लग रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निर्देश था कि हर कोई वैक्सीन लगवाए। मैं अभी तक एंटीबॉडीज में चल ही रहा हूँ, इसलिए वेट कर रहा था। और जब ये अभियान की आज शुरुआत हुई है तो मैंने भी अपना सौभाग्य समझा कि इस मौके पर इसकी शुरुआत में मैं वैक्सीन लगवाऊँ। मेरे साथ हमारे जशपुर जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सागर यादव जी हैं, जनपद के अध्यक्ष अंजना जी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप हैं और बहुत से हमारे साथी भाई हैं जो वैक्सीन लगवाने आ जाए। और इसकी शुरुआत हुई। इस महाअभियान को आप कहाँ तक ले जाएंगे? ये हर नागरिक को ये वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, अनिवार्य भी होना चाहिए, क्योंकि कोविड से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। ओके, थैंक यू। अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है, लोग टीका लगाने से बच रहे हैं। हमारे समाज के लोग में कुछ भ्रांतियां फैली हुई थी। माननीय कलेक्टर महोदय ने जो वीसी ली थी उसमें उन्होंने बोला था, और माननीय एसडीएम महोदय ने हमारे विधायक महोदय के प्रयास से हमारे मदरसे में टीम भेज दी है और वहाँ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और प्रतिदिन 20 से 25 लोग वहाँ टीका लगवा रहे हैं, जिसमें सभी लोग हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ आने से उन लोगों को तकलीफ और परेशानी हो रही थी उसको दूर करके आपका टीका आपके द्वार के तहत हम लोग उनको घर घर ले जाके निकाल के ला के जो मदरसे में टीम बैठी है वहाँ टीका लगवा रहे हैं। अब अफवाहों का बाजार तो अपनी जगह गर्म है, लेकिन समझाइश देने के बाद लोग मान रहे हैं और हम लोग लगवा रहे हैं।